हम निकल पड़े एक और नई जर्नी की तरफ। लखनऊ जा रहे हैं, मौसम अच्छा था, ट्रिप मारने जा रहे हैं ना। राजन चले ससुराल समझ गए होगे अब तक, अच्छी बात है, समझ गए आप तो स्मार्ट लोग यार आप। बाकी चलते हैं, अभी काफी लंबा जाना है, अभी जस्ट निकले ही हैं। यस, मास्क आर मैंडेटरी, ऑल्दो वी आर वैक्सीनेटेड, तो फिर भी मास्क रहना चाहिए। फिर हम लोग अभी साथ में बैठे हैं और गाड़ी बंद है, एसी चल रहा है, तो उतना मास्क की प्रायोरिटी नहीं दी। ऑल्दो हाँ, जब भी बाहर निकले आप प्लीज मास्क जरूर लगाएं। अभी तो वैसे भी एक हाथ की दूरी पे तो बगल वाला भी बैठता है, ड्राइवर के साथ जो बैठता है पैसेंजर। थोड़ा सुधर का व्यू दिखा दो आपको, क्योंकि चलान कट रहा है, देखना चलान कट रहा है। चिचा चिचा चिचा, तुम भी कुछ कहोगी क्या? देखा है तुमने मेरा वीडियो? एक भी देखा है, आइडियाज थोड़े थोड़े मेरे भी होते हैं। अच्छा, कल विल ट्राई आउट, बताना आप लोग कमेंट में कैसा लगा। अच्छा, मैं रेगुलर वीडियो डाल रहा हूँ, कुछ शॉर्ट्स भी डाल रहा हूँ, आप लोग प्लीज प्रेस करो उसको, बताओ, फीडबैक दो कि कैसा है वो, क्या मुझे चेंज करना, क्या करेक्ट करना चाहिए। अच्छी ट्रिप करेंगे, रास्ते में मौसम अच्छा है तो जगह जगह साइट सीइंग्स भी मिलेगी, होपफुली कुछ अच्छा कैप्चर करके आज सिनेमैटिक बनाकर आज वीडियो में डाला जा सके। बाहर कितनी सर्दी है। ये ब्रिज मेरा फेवरेट राइट हैंड पे, यहाँ भी अच्छी फोटो आती है यार। पहले बाइक जान के इधर से लेके जाते थे, फिर से खोल के देखो बाइक लेके जाते। बढ़िया मौसम है यार, कुंडा पहुंचे और ये रोड स्पेसिफिकली मुझे बहुत पसंद है। ये जो आउटर से रोड गई है कुंडा, अगर कोई भी आया होगा तो जरूर जानता है, ये रोड बाहर बाहर निकली है और बगल से मनगढ़ मंदिर की रोड निकली हुई है। आज वाकई इस मौसम में इस रोड पे चलाने में जो मजा आ रही है वो अल्टीमेट। और धीरे धीरे हम आगे एक और इस अपने स्टॉप की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पर हम खाएंगे कुछ अनोखा, आपको दिखाते हैं। अगर वो शॉप खुली है जरूर आपको दिखाएंगे कि आप वहाँ पर रुक के क्यों खाएं, क्योंकि उसका टेस्ट ऑब्वियसली मैं वीडियो में आपको वो टेस्ट नहीं दिखा सकता, पर आप एक बार ट्राई जरूर कर सकते हैं, ट्राई करेंगे तो मजा आ जाएगा। आप लोगों को कहा था ना, एक समोसे की दुकान है, ये एरिया पड़ता है, मैंने दिखा बताया नहीं था कि किस चीज की दुकान है, कुछ खाने के बोला था। एक्चुअल में ये एक छोटी सी समोसे की दुकान है जहाँ हम लोग रेगुलर अक्सर इस रूट पे जाते हुए रुकते हैं और खाते जरूर हैं। यहाँ का छोला समोसा वाकई बहुत बहुत ही ज़्यादा नेटिव महसूस होता है, बहुत ज़्यादा यमी है, और क्योंकि इसमें वो पुराना जो टेस्ट होता है वो अभी भी कायम है। तो दिखाते हैं आपको पहले है कहाँ ये एग्जैक्टली, ये रूट पड़ता है, क्या है नाम है, प्रतापगढ़ मढ़ी मानिकपुर, अलीगंज मेन चौराहा मानिकपुर, यही है वो दुकान भाई। गर्मा गर्म समोसे हमेशा भाई, हमेशा निकलते रहते तुम्हारे घर। अपनी कार जब भी जाओ इधर जरूर रुको, गरम गरम समोसे, यम टेस्ट, जबरदस्त समोसा हमारे हाथ में है और जस्ट रोका नहीं जा रहा है, खाने से रुक नहीं पा रहे अपने आप। स्टफिंग कितनी बढ़िया होती है इनकी। तो ये समोसा हर जगह मिलता है इलाहाबाद यूपी में ओवरऑल, बट वो जो नेटिव टेस्ट है जो पहले आया करता था वो बहुत रेयर हो गया, और उसी वजह से वो चीज़ ढूंढते ढूंढते एज एन एक्सप्लोरर हम लोगों ने ये दुकान देखी, जो कि बाकी बहुत छोटी दुकान है, अगल बगल और भी दुकान है, आप ट्राई कर सकते हो, बट ये टेस्ट आपको ऑब्वियसली नहीं मिलेगा। जो मुँह में पानी आ रखा दो बल माता दाम, जो आजकल पूरी सब्जी को समोसे का शेप देकर जो तल के दे देते हैं वो चीज़ें नहीं हैं, तो काफ़ी। और वैसे मैंने देखा है एरिया में पॉपुलर भी हैं, मतलब तो इनके क्या हमेशा आपको फ्रेश गर्म ही मिलता है। चलते थैंक यू भाई, कुछ समोसे पैक भी कराने पड़े भाई, इतने टेस्टी थे कि जिसके पास जाओ उसको लेके जाओ। पर इसकी हम लोगों ने रिकॉर्ड इतनी बार खाया
कभी भी हम लोग को कोई प्रॉब्लम डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी इश्यूज नहीं हुए। क्या हम लोग डरते हैं इन सब चीजों से? क्या हम लोग फूड ब्लॉगर हो रहे हैं? भाई रास्ते में ये सब चीजें पढ़ रहे थे, इनके मजे और इनके एक्सपीरियंसेस को शेयर करना भी अच्छी चीज है। ये तो मक्कड़ बिना खाए नहीं घूम चटनी चटाई चल रही। कुछ भी नहीं छोड़ना है, कुछ भी चटनी, पैसा वसूल बहुत ज्यादा। नजारा भी कह रही क्या मेरे के सामने नहीं कह रही।